पता नहीं हमारे साथ क्या हो। प्लीज गवर्नमेंट, आप जो भी हो, जहाँ भी हो, प्लीज हमें आगे बचाओ। हम कीव में स्टक हो चुके हैं, पूरी चारों तरफ से घिर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई हेल्प नहीं दे रहा है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को कोई हेल्प, जो भी हमें हेल्प होनी है वो मिलने वाली नहीं है। जो बच्चे यहाँ से निकले हैं कीव से बाई कैब और बाई बस, उनको रशियन पीपल्स ने, रशियन आर्मी ने पहले स्टक किया, उन पे फायरिंग करी और उनकी लड़कियों को लेके, उन इंडियंस लड़कियों को लेके गए, पता नहीं कहाँ लेके गए, ये किसी को कुछ नहीं पता। सिर्फ हम एम्बेसी को कॉल्स कर रहे हैं, एम्बेसी हमें हमारी कॉल्स नहीं उठा रही है। सेकंड थिंग, हम लोगों को बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो पा रहा, हम सिर्फ यहाँ पे फंस चुके हैं। हेलो, मेरा नाम गरवा मिश्रा है, मैं यूपी लखनऊ से हूँ। हम कीव में स्टक हो चुके हैं, पूरी चारों तरफ से घिर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई हेल्प नहीं दे रहा है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को कोई हेल्प, जो भी हमें हेल्प होनी है वो मिलने वाली नहीं है। हमने ये कुछ वीडियोस देखी हैं, जब अभी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हम एम्बेसी को कॉल्स कर रहे हैं, एम्बेसी हमें हमारी कॉल्स नहीं उठा रही है। सेकंड थिंग, हम लोगों को बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो पा रहा, हम सिर्फ यहाँ पे फंस चुके हैं। जहाँ पे हम रह रहे हैं वहां पे बहुत सारे लोग आते हैं जो कल रात को हंगामा करते हैं, वो गेट तोड़ते हैं, देन उसके बाद अंदर आने की कोशिश करते हैं। क्या होता है हमें कुछ भी नहीं पता, यहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं पता, जो हमारे साथ सिचुएशन। लेकिन जब अभी कुछ टाइम के बाद हमने सोचा कि हम यहाँ से निकलते हैं और हम यहाँ से किसी तरह निकलते हैं बाई ट्रेन, क्योंकि हम बाई ट्रेन निकले या फिर हम बसेस निकले, कार से निकले। कार से अभी जस्ट मेरे एक दोस्त ने बताया है मुझे कि जो बच्चे यहाँ से निकले हैं कीव से बाई कैब और बाई बस, उनको रशियन पीपल्स ने, रशियन आर्मी ने पहले स्टक किया, उन पे फायरिंग करी और उनकी लड़कियों को लेके, उन इंडियंस लड़कियों को लेके गए, पता नहीं कहाँ लेके गए, ये किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ लड़कियों को, और लड़कों का कुछ पता नहीं है। सेकंड थिंग, ये रोमानिया बॉर्डर में अभी हमें वीडियोस मिल रही हैं, उन वीडियोस में दिखाया जा रहा है कि रोमानियंस आर्मी वहां पे उन्हें मार रही है और उनके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही है। तो प्लीज, अब कहाँ गए? हम तो मूवीज में देखते थे ना, योगी जी, मोदी जी, जो भी हैं, प्लीज, हम वीडियोस देखते थे ना, हमें बचाया जाता था, ऐसे हमारे अंदर ये रहता था कि हमें बचा लिया जाएगा, बट अभी हमें नहीं लगता कि हमें कुछ बचाया जाएगा। शायद पता नहीं हमारे साथ क्या हो। प्लीज गवर्नमेंट, आप जो भी हो, जहाँ भी हो, प्लीज हमें आगे बचाओ, या फिर आप प्लीज यहाँ पे बाय एयर कुछ भी भेजो, इंडियन आर्मी को यहाँ पे प्लीज भेजो, तभी शायद हमारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि हम बच सकते हैं। बाकी हमें नहीं लगता कि हम यहाँ पे बचेंगे या फिर हम यहाँ से कहीं जाना हमारे लिए सेफ है, और हम जहाँ पे हैं ये भी हमारे लिए सेफ नहीं है। सो प्लीज, जय हिंद, जय भारत। प्लीज आप हमारी हेल्प करो, प्लीज जो भी सुन रहा है, जो भी देख रहा है, इस वीडियो को शेयर करो और हर जगह भेजो। एमबीसी हमारी कॉल नहीं उठा रही, हमने उसकी वीडियोस भी बनाई, हम उन्हें कॉल कर रहे हैं, वो हमारी कॉल कट कर दे रहे हैं, वो हमसे कोई बात नहीं कर रहे। तो सब प्लीज, जो भी इंडियंस देख रहे हैं, प्लीज हेल्प करें।